आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दक्षिण विधानसभा का बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन जैसी मैदान में हुआ। इस दौरान आगामी चुनाव के लिए रवि भारद्वाज को प्रत्याशी घोषित किया गया। प्रत्याशी के साथ पदाधिकारियों ने चुनाव में बसपा की सरकार बनने की बात कही। दक्षिण विधानसभा का बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन जैसी मैदान में हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में आगामी चुनाव के लिए रवि भारद्वाज को प्रत्याशी घोषित किया गया है। रवि भारद्वाज का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 88 दक्षिण विधानसभा में प्रत्याशी घोषित किया है। सभी समाज के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, इस वजह से ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गरीब असहाय जनता के पूरा सहयोग करूंगा, जो मेरे बस में होगा पूरा करूंगा, रात दिन उनके लिए मेहनत करूंगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरीके की कोई व्यवधान नहीं आने दूंगा। गरीब जनता का पूरा सहयोग करूंगा, सभी लोगों का सर्व समाज का सब सहयोग करूंगा और मैं सबके साथ चलूंगा। ब्राह्मण समाज पे इसलिए जोर दे रही है क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज को बीजेपी से बहुत नाराजगी है। ब्राह्मण समाज को जो है बीजेपी ने बहुत परेशान किया है। अब सभी ब्राह्मण समाज और सब जाति मिल करके बीजेपी को दिखा देगी कि 2022 में क्या होगा। मुस्लिम समाज भी हमारा भाई है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। हम सबके साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम समाज का हमारा ऊपर भरपूर सहयोग मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी आगरा जनपद में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हमारी माननीय बहन जी ने जिन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है, श्री रवि भारद्वाज जी आगरा दक्षिण विधानसभा से उनके नाम की घोषणा की गई है और उन्हें प्रभारी प्रत्याशी साथियों घोषित किया गया। मुख्य सेक्टर प्रभारी गोरेलाल जाटव ने रवि भारद्वाज को प्रत्याशी बनाए जाने की सार्वजनिक घोषणा की। सम्मेलन में प्रत्याशी की घोषणा होने पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का वादा किया। बसपा नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि बसपा में हर समाज का ध्यान रखा जाता है, ब्राह्मणों का सम्मान सबसे ज्यादा बसपा सरकार में ही किया जाता है। देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी से जो समाज जुड़ता है, बहुजन समाज पार्टी उसको उसकी ही हिस्सेदारी देती है और ये इसका नेता जानता सबूत है। 2007 में भारी तादाद में बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण समाज जुड़ा तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरा सम्मान। कोई नाराजगी नहीं है। मुस्लिम समाज के माननीय विधायक जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे, विधायक जी की संतुति पे ये टिकट हुआ। मैंने हम सम्मान देंगे, खुला दिला दिमाग जो है पुलिस वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इस बीजेपी गवर्नमेंट में इतना उत्पीड़न जो हुआ है और केवल आशा की किरण अगर दिखाई दे रही है उस समाज को भी तो केवल बीएसपी में दिखाई दे रही है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब बहन जी की सरकार आई है ब्राह्मणों को भरपूर सम्मान मिला है। उसी आशा की किरण के साथ जो विक्टिमाइजेशन हुआ है उससे मुक्ति पाने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो रहा ब्राह्मण। बसपा नेताओं का कहना है कि बसपा में गरीब मजदूर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कार्यकाल में युवाओं को रोजगार और नौकरी दी थी। भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आगरा के साथ गैर जनपदों से भी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।